Whew. टैबलेट में पानी चला गया क्या? फिरोज अली, हेलो फिरोज। उप्स, फिरोज तो उसके पापा का नाम है। हेलो ब्रो, हेलो हेमंत, ओपी आकाश भाई, हेलो मैक्रो YT, थैंक यू थैंक यू। आज इसको फिनिश, देखते जाओ तुम लोग। गियोटोमी का मुझे दे दो, गियोटोमियों का। ओके ब्रो, आ जाओ ले जाओ, नो प्रॉब्लम। हाय, हेलो लर्निंग आर्टिस्ट जसीम, वेलकम ब्रो। हेलो हेलो, रचित को दे देना जब आएगा। अच्छा, तो तुम रचित के दोस्त हो। उससे पहले मेरी हिनाटा दिलवा वापस, फिर मैं उसे गियो दूंगा। मेरी हिनाटा लेके भाग गया वो। हेलो लर्निंग आर्टिस्ट जसीम, ब्रो टॉक इन इंग्लिश टाइप सो आई विल अंडरस्टैंड। वो नहीं देगा कह रहा, ऐसे कैसे नहीं देगा? वो देगा 100% देगा, देख लेना। स्टार्ट करें प्लीज। अपलोड डॉम्स कलर पेंसिल ड्राइंग ट्यूटोरियल, बिल्कुल अपलोड करेंगे भाई। 1 महीने रुक जाओ तुम लोग, 1 महीने। इस महीने मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। इजी से इजी, तुम लोग बस पे जाना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। मुझे इस महीने जम के लाइव स्ट्रीम कर लेने दो। लाइव स्ट्रीम कम, ट्यूटोरियल्स और रेगुलर वीडियोज ही ज़्यादा आएंगी। सबसे पहले तो पेपर की क्या हालत हो गई बारिश की वजह से। ये क्या हो गया? अगर भाई ये मेरे ही आने का टाइम है, इतने ही टाइम आता हूँ मैं। 6 वॉचिंग ओनली 1, मर्जी है, ऐसा कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। लाइक कोई करे या ना करे, मेरा काम है आर्ट करना, दूसरों को नॉलेज देना, सिखाना, वो मैं करता हूँ। ऐसा किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको ना भी देखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्टी हो क्या? बिल्कुल लेफ्टी हैं हम। दिख नहीं रहा है मेरा लेफ्ट हैंड। पहले इतने पार्ट को निपटा लें, उसके बाद इसके ड्रेस का करेंगे और फिर बैकग्राउंड का। हाँ अब ठीक है। अब इसको फटाफट मज कर लेते हैं। हाँ। ड्रेस का कैसा लग रहा है, कोई बताएगा? ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। आया है नीचे वाला पार्ट 120 हो गया, इसको तो 4 भी कर सकते हैं। सेम पैटर्न ही यूज होगा। हाँ, नीचे का मैं भी 1 घंटा मैं भी 2 घंटा डिपेंड करता है कितनी जल्दी ख़त्म करता हूँ मैं ऐसे। भाई मेरी ड्राइंग कंप्लीट, वेरी गुड। क्या बनाया है रजीता? हाँ, अब इधर क्या था? अब इतना टाइम नहीं लगेगा। अब मेन चीज़ बस जो लगेगा गोको बार्डोक। अच्छा, नाइस नाइस। ठीक, हेलो आर्ट, वेलकम। आज ख़त्म ये, आज तो ये ड्राइंग रहेगी या मैं रहूँगा। हेलो सेबेस्टियन किंडो, ये सही है इसका नाम। पेपर बारिश के पानी वजह से हो गया है। हेलो हेलो हेलो, पैचेस आ रहा है क्या पेपर मॉइस्चर की वजह से? हाँ यार, अब पेपर है, बोर्ड पे चिपका रखा मैंने टेप से, और बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है, मौसम ठंडा है। कांच, टेबल, लकड़ी, गेट, सब कुछ तो मॉइस्चर है, ठंडा पड़ा है, इसीलिए पेपर पे। इधर देखो, इधर पे बारिश नहीं हुई थी इस टाइम पे, तो यहाँ देखो स्मूथनेस है। यहाँ पे बारिश से पेपर पे मॉइस्चर आ चुका था, उसके बाद यहाँ पे शेडिंग करी थी, तो देखो यहाँ पे कैसा इफेक्ट आया। लेकिन ड्राइंग मैंने ख़राब नहीं होने दी, अभी भी अप टू डेट ही है मेरी शेडिंग, मेरे अकॉर्डिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से अभी तक तो। भाई आज मैं अपने फ़ोन से देख रहा हूँ। अच्छा, ये सही किया तूने। जल्दी जल्दी निपटा दूंगा आज मैं इसे। भाई अब क्या बनाऊं? मैं जो बनाने वाला हूँ इसके बाद वो बनाओगे? जितने लोग बनाएंगे उसको मैं अपने वीडियो में, लाइव स्ट्रीम में शाउट आउट दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी शाउट आउट दूंगा। मैं बनाने जा रहा हूँ रेनगोकू, लाइव स्ट्रीम में भी रेनगोकू और नॉर्मल वीडियो के लिए भी। नॉर्मल वीडियो में तो रेनगोकू का फेस रहेगा इजी, लेकिन लाइव स्ट्रीम में जो मैं रेनगोकू बनाने जा रहा हूँ वो सच में एक नंबर है। डायनामिक लास्ट टाइम्स। एक हिंट देता हूँ, रेनगोकू है उसकी हिंट, बस। समझा कोई? भाई मैं क्या बनाऊं? जेट्स ब्रश, ये तो वही है, देवीस, हाँ वही है। अच्छा, जो बनाएगा मैं उसको शाउट आउट दूंगा, लाइव स्ट्रीम में भी और इंस्टाग्राम पे भी। रेनगोकू बनाऊंगा और हिंट भी रेनगोकू है, जो समझा वो समझा। जल्दी निपटा दूंगा आज मैं से, मुझे खुद जल्दी करना है, थका हुआ हूँ, मुझे नींद वैसे भी आ रही है। 6 महीने हो गए मुझे लाइव स्ट्रीम कर देंगे तो चैन से सोया भी नहीं हूँ रात में, रात को 3-3 बजे तक जाग जा काम किया है। इसकी 9 फॉर्म या फिर 10 फॉर्म का नाम है ना रेनगोकू। अबे साले 10 फॉर्म उसने दिखाई नहीं भाई, उसने जो यूज़ करी थी फॉर्म वो उसकी लास्ट फॉर्म थी शायद, जिंदा रहते हुए वो वही फॉर्म यूज़ कर पाया था, 9th फॉर्म रेनगोकू, उसकी फाइनल फॉर्म नहीं थी वो, या फिर शायद फाइनल फॉर्म होगी, या फिर उसको लगा कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जान ही निकल गई थी, पोटेंट ओवर एग्जॉस्ट हो चुका था वो। क्योंकि 10th फॉर्म तक तो तानजीरो ही जा चुका था और तानजीरो से ज़्यादा पावरफुल था रेनगोकू, तो समझ लो उसके पास 10th फॉर्म से भी ज़्यादा फॉर्म थी रेनगोकू के पास। डू यू प्ले डीजी लेजेंड? छोड़ दिया भाई, कब का ड्रैगन बॉल लेजेंड छोड़ दिया, दिमाग ख़राब कर दिया था उसने, घंटों महीने लगा के 900 1000 डायमंड्स रूबीज क्या बोलते हैं उन्हें कलेक्ट करो, और मिलता क्या है यामचा 10-10 और फ्रीजा के 9 प्यादे, बस यही सब मिलते मुझे। सोचता हूँ कि इसमें लेजेंडरी कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन वो कभी मिला नहीं। इतनी सारी ग्लिचेस कैसे ग्लिचेस? इसलिए मैंने होप ख़त्म कर दी ड्रैगन बॉल लेजेंड्स की, 1 साल हो गया मुझे, मैंने नहीं खेला छोड़े हुए। अब मैं सोच रहा हूँ जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आएगा ना गोकू और वेजिटा बियॉन्ड एवोल्यूशन आएगा, तब डाउनलोड करूँगा दोबारा से उनको लेने के लिए लास्ट पर। हेलो अरहान ब्रो, आज ख़त्म है ये आर्ट वर्क, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 1 सेकेंड रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे प्यास लग रही है। जेनसू के पास 1 ही फॉर्म है। 1 सेकेंड, जेनसू की तुमने बात करी तो मैं जेनसू के बारे में भी बताना है, मैं अभी बता दूँ, 1 मिनट रुको, 1 गिलास पानी लेके आते हैं। आ गया मैं, आ गया। हाँ अब बात करते हैं, कहाँ गया जसवर्ष? है चला गया तो बताएं। कौन कौन जनसू आप ट्रंक्स बनाओ, ट्रंक्स बनाना भी है मुझे। डिड यू स्टार्ट टोक्यो रेवेंजर्स? देख ही लिए मैंने, टोक्यो रेवेंजर्स के 10 एपिसोड भी देख लिए। हाँ अब मैं बताता हूँ, सुनो। अपरिचित मूवी देखी है किसी ने? साउथ की अम्बी। यहाँ तक मेरी थ्योरी है, मैं वो बता रहा हूँ। जेनेत्सु का कैरेक्टर वही है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। उसको खुद नहीं पता, जेनेत्सु को तो ये भी नहीं पता कि वो फाइट कर सकता है। जहाँ तक मैं अपनी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे अपरिचित में अम्बी को नहीं पता था कि उसके अंदर एक ईविल कैरेक्टर भी है और एक रोमांटिक कैरेक्टर भी है, इसीलिए ऐसे ही जेनेत्सु को भी नहीं पता। जब वो सबकॉन्शियस मोड में जाता है ना, तब वो जेनेत्सु जो ओरिजिनल जेनेत्सु जो जागते हुए दिखता है, उसके ऑपोजिट ही है वो। उसे नहीं पता कि वो फाइट कर सकता है, उसे ये भी नहीं पता कि उसे कोई फॉर्म आती भी है। जेनेत्सु को आपके अपने नॉर्मल मोड में उसे ये भी नहीं पता कि उसे तलवारबाजी कैसे करनी है। तलवार चलाना भी नहीं आता, उसे भागना चिल्लाना आता है बस। लेकिन जब वो सोता है तो उसका कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इनाजुमा 11 देखा किसी ने? उसमें तो खैर वो तो उसमें तो उसका कैरेक्टर अलग ही था। अपरिचित में जब वो अम्बी से दूसरा कैरेक्टर अपरिचित बनता है, तब अपरिचित अम्बी को नहीं मालूम था कि वो ये जानता। अम्बी को तो हाथ चलाना मारना पीटना भी नहीं आता था। ऐसे जेनेत्सु को तो तलवारबाजी भी करनी नहीं आती, उसे तो मारना भी नहीं आता था। तो जेनेत्सु को तो जागते हुए भी ये नहीं पता कि उसके पास कोई फॉर्म है, लेकिन उसने अभी तक स्लीप मोड में एक ही फॉर्म दिखाई है सिर्फ, थंडर क्लैप एंड कौन सी है वो, वही वाली। लेकिन अभी ये डायरेक्टर, हाँ शॉन फ्रॉस्ट, अभी डायरेक्टर के ऊपर है टोटल कि जेनेत्सु की फॉर्म को इवॉल्व करना है, क्योंकि जेनेत्सु ने उसके 2-3 मोमेंट थे जेनेत्सु के ओवरऑल, 2 एक सीज़न में और एक मूवी में, और तीनों में एक ही फॉर्म को यूज़ किया उसने। और वो जेनेत्सु नहीं था, वो उसका सबकॉन्शियस मोड था। सबकॉन्शियस मोड में जो जेनेत्सु है, उसने सिर्फ एक ही मोड यूज़ किया, एक ही फॉर्म। लेकिन अभी सबकॉन्शियस वाले के ऊपर हमने सीधी सी बात यह है कि जेनेत्सु का जो जब वो सोने के बाद उठता है, तो उसका जो सोने के बाद वाला मोड है, उसका हमने अभी पूरा पोटेंशियल देखा ही नहीं। किसी ने देखा है? नहीं देखा। उसने उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि एक ही फॉर्म से उसने जितने ही विलेन उसके सामने आए सबको उड़ा दिया। उसने उसको कभी ये लगा ही नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डेंजर में हूँ। अपने खतरनाक वाले फॉर्म में आने के बाद भी उसको ये लगा ही नहीं, तो उसने इससे ज़्यादा कभी ओवर ट्राई ही नहीं किया। तो इसीलिए अभी तक हमने उसका एक ही फॉर्म देखा है। आगे उसकी कितनी फॉर्म है वो हमें तब पता चलेगा जब जेनेत्सु सोने के बाद का जेनेत्सु को जब फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा डेंजर है और उसको कुछ और करना होगा, एक्स्ट्रा करना होगा, तब पता चलेगा हमें कि जेनेत्सु के पास और कौन सी फॉर्म है। और बीच थंडर ब्रीदिंग 1 के अलावा किसी को पल्ले पड़ी मेरी कहानी, मेरी थ्योरी? नहीं पड़ी होगी। दरअसल उसके ग्रैंडपा ने उसे बेसिक सिखाए थे तलवारबाजी करने के। उसके ग्रैंडपा को भी नहीं पता था। उसके ग्रैंडपा एक हाशिरा था, नहीं ग्रैंडपा नहीं था हाशिरा, वो तो हाँ नहीं था। उसके ग्रैंडपा को भी नहीं पता था कि जेनेत्सु के पास थंडर क्लैप वाली पावर है, लेकिन उसने बेसिक मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग के स्किल सिखाए थे। तो जेनेत्सु को उसके लाइव मोड में भी नहीं पता था कि उसके पास कोई फॉर्म है। मास्टर कर लो, उसने बेसिक्स जो फाइटिंग होती है स्वॉर्ड के साथ, उसको मास्टर करने की बोला। भाई प्रो मार्कर्स बढ़िया हैं क्या? ये कौन सी चीज़ लेके आ गए तुम? प्रो मार्कर्स खरीद लोगे तुम? हम तो नहीं खरीद पाएंगे। जब प्रो मार्कर से अच्छा विकल्प अपन लोगों के पास है, ओहो, तो क्यों फालतू उनकी बातें करना है। बहुत ज़्यादा पैसे हैं क्या भाई, एक आध मारकर हम इनको दिलवा दो। वेयर डू यू वॉच एनिमे? मैं जब तक छोटा भाई के पास नेटफ्लिक्स था तो नेटफ्लिक्स पे देखता था, अब मैं उस पे देखता हूँ, गूगल पे क्रोम में डब्ड एनिमे .biz वेबसाइट है, सारे एनिमेज और मूवीज़ हैं उसमें, डब में भी और सबटाइटल में भी। सबकी ले लेगा, कौन ले लेगा भाई। जेनित्सु का कैरेक्टर स्प्लिट पर्सनालिटी वाला ही है जहाँ तक मेरी थ्योरी है, मैं कंफर्म होके नहीं बता रहा हूँ लेकिन जहाँ तक मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ। जैसे अपरिचित में अम्बी के पास, अम्बी की जो पर्सनालिटी थी, अम्बी उसको अपरिचित बनने के बाद अम्बी को नहीं पता होता था कि वो क्या है और क्या कर सकता था। अपरिचित को तो, अम्बी को तो मारना भी नहीं आता था, पिटना आता था सिर्फ। ऐसे ही जेनित्सु को भी नॉर्मल मोड में तो उसे लड़ना भी नहीं आता था। तुमने अभी तक जितना भी जेनित्सु का नॉर्मल मोड देखा, हर वक्त भागता चिल्लाता ही रहा वो। आप कहाँ रहते हो? हम यूपी में रहते हैं भाई, लखनऊ से थोड़ी दूर, लखनऊ के पहले झांसी। बाप रे, लखनऊ वाली लड़की यहाँ ना आ जाए। मैं साथ ही साथ शेडिंग भी करता जाऊँगा। कभी दिल्ली आना। दिल्ली को छोड़े हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया भाई। तुम दिल्ली बुला रहे हो मुझे? आएंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा फिर आएंगे दिल्ली, वर्कशॉप करने के लिए तो आएंगे ही। ड्राइंग की वर्कशॉप, पेंसिल की वर्कशॉप। दिल्ली में तो जिस साल कोरोना आया उस साल मैं स्टूडियो खोलने वाला था अपना, आर्ट इंस्टीट्यूट, लेकिन कोरोना ने सब ख़त्म कर दिया। बस घर में हूँ तो यूट्यूब ही कर सकता हूँ। लड़की वाला को, हाँ यार, जामा मस्जिद में असलम का चिकन खाया और मज़ा आ जाएगा। नहीं खाया यार, जामा मस्जिद में गया ही नहीं। दिल्ली में रहा लेकिन दिल्ली घूमा नहीं, बस काम काम काम। लेकिन अब जब घर पे हूँ तो लगता है कि दिल्ली जाऊँगा तो यहाँ घूम के आऊँगा, वहाँ घूम के आऊँगा, फलाना ढिमकाना। घूमने वाली प्लानिंग तो सिर्फ घर पे रह के ही बना सकते हैं। काम के सिलसिले में कहीं जाओगे तो वहाँ घूम तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे। मैं दिल्ली में 3 साल रहा, एक से एक नमूने मेरी ज़िंदगी में आए दिल्ली में भाई। वेयर डू यू लीव? लीव करने को क्यों बोल रहे हो भाई? अभी तो लीव करने के लिए, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, कहाँ लीव करवा रहे हो? अगले साल शादी करनी है। तुम लीव करने की बात कर रहे हो? अपना एड्रेस दे दो। मैं झांसी में रहता हूँ। क्यों भाई, गुंडे वंडे भेजना है क्या? हम तुम सब लोगों की पहुँच से बहुत दूर हैं। एड्रेस दे के करोगे क्या? दिल्ली में रहते तो फिर आ भी सकते थे। सूरत से तो खैर वो भी दिल्ली में था। नो, एक साथ। लेकिन जब दिल्ली वालों के साथ ही हो सकता। आकाश भाई की अगले साल शादी करनी है, बच्चे करने। क्या बात, समझदार हो यार तुम। तो ना करें क्या, हैं ऐसे ही रहें? ऐसी जवानी निकल रही है पेंसिल घिसते घिसते, और ऐसी फैंटेसीज कैरेक्टर्स को बनाते बनाते ही अपने आप को संतुष्ट कर पाता हूँ मैं। अबे कर लो, हाथ खराब हो जाएंगे। हाँ यार, पंखा चल भाई इधर से निपटा लो फटाफट, शेडिंग शुरू करना है मुझे। इस हफ्ते के लास्ट में हम ब्लैक कवर स्टार्ट कर दूंगा, देखना पहली बार ब्लैक क्लोवर बोलते हैं। कल ही पता चला मुझे कि मैं आज तक जैसे उसे ब्लैक कवर पढ़ रहा था, वो ब्लैक क्लोवर है। तभी मैं उस लाइन पे गया ही नहीं। फटाफट निपटा ले। आत्मनिर्भर आकाश भाई, हमारा झांसी जाने का प्लान है। अच्छा, आ जाओ। क्या करने आओगे तुम झांसी? लगता है काफी लोग चले गए, किसी का मैसेज रिप्लाई नहीं आ रहा। ड्रैगन बॉल का नया ट्रेलर आ गया, देखा नहीं मैंने। आर्ट है ओके। यहाँ से पहले ये भी कर लेते कंप्लीट। चल भाई, मैं ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। आप फुल टाइम आर्टिस्ट हो क्या? दिल्ली में थे तो फुल टाइम आर्टिस्ट थे, अब घर पे तो जिम्मेदारियां हैं मेरे पास, मेरे ऊपर। दिन में मुझे बिजनेस देखना पड़ता है घर का, और शाम को मैं आर्टिस्ट बन जाता हूँ। रात को भाई मैं माजरा बना रहा हूँ, माजरा। तभी मेरे क्या स्किन टोन मार्कर ख़त्म हो गए। व्हाट अ गुड लक। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कोई बात नहीं, कलर पेंसिल को यूज़ कर लो, ठीक है। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे करके पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे। आज 2 घंटे भी नहीं लगेंगे पूरी ड्राइंग में, देख लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैटर्न समझना था, वो मैंने कर लिया। और यहाँ पे देखो कितनी जितनी जल्दी ये नहीं हुआ था कल, आज मैंने लाइनिंग कर ली। अब शेडिंग फिलिंग रह गई बस, और डिटेलिंग। और मैंने ये जो डिज़ाइन दिए वो अपने हिसाब से दिए, मैंने कोई देख के नहीं बनाई। रेफरेंस में तो बहुत ही ख़तरनाक लेवल की थी। भाई क्या भाई लेकिन इस वाली लाइव स्ट्रीम में मुझे तुम लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। सब पे व्यूज भी ठीक आया, वॉच टाइम भी सही मिला। क्या बोल रहा है ये ऐप? ऐप क्या तुम लोग पूरी बात नहीं लिखते हो इस पर। जैसे तैसे मैं अपनी ड्राइंग देख के तुम लोगों का देख पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसमें एक वर्ड देखने को मिलता है मुझे ऐप लो ये भाई। अपना काम रोक के मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वो भी मुझे पूरा समझ में स्पष्ट किसी का पढ़ने को नहीं मिलता। बड़ी मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग भी कुछ पूछना है बताना है तो पूरा लिख के बताओ। Did you get any earnings from YouTube? पहले जब YouTube पे 4000 घंटे की पॉलिसी नहीं थी उस टाइम पे मैं YouTube पे नया आया था। उस टाइम पे सिर्फ 10,000 व्यूज़ का ओवरऑल वो रहता था, क्या कहते हैं पॉलिसी, वो मैंने मेरी हो गई थी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर मोनिटाइजेशन रहा मेरा चैनल और उसी में ही मैंने $5 से $10 कमा लिए थे। फिर उसके बाद 4000 घंटे वाली पॉलिसी आ गई, फिर मेरी कहानी निपट गई यूट्यूब की। लेकिन अब वो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी जुलाई के बाद के, अगस्त से, अगस्त तो आ ही गया, अगस्त के ख़त्म होते होते या फिर सितंबर में तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हेलो बिलाल आज ये कौन सी भाषा है? हेलो ब्रूदर ब्रूदर कूल मतलब ये भाषा हमारे क्षेत्र की नहीं है ब्रो। प्लीज़ टाइप इन इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड What are you trying to say? Hello, Raymond Das. Hello. आप पहले इतना पाठ निपटा दो। I speak German, bro. I'm not German, and I can't understand German language. Please type in English so I will. रिप्लाई यू। और अगर तुम्हें भी इंग्लिश नहीं आती तो जाओ पहले इंग्लिश की पढ़ाई करो। हेलो दीप्तांशु, आज जितने लोग बने रहेंगे वो देख लेंगे, मैं कंप्लीट कर लूँगा इस ड्राइंग को आज ही। बाकी जाने वाले को कौन रोक सकता है। हाँ भाई CBSE वाला कौन कौन था हाई स्कूल का, कोई बताएगा? ये क्या मैसेज लिख के डिलीट किया है? हाँ एग्ज़ाम है कल भाई, तो पढ़ो भाई, इधर क्या करने आए हो? एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम की पढ़ाई करो। किसका कैसा रिजल्ट आया? मुझे लगा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया इस बार, मैंने देखा CBSE का हाई स्कूल। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई उनकी। वो भी तो जैसे वो भी तो मर रहा होता है ना, फेयरवेल के टाइम पे यही म्यूज़िक बजता है। बहुत दुख होता है मुझे अभी तक मरने से। गवर्नमेंट मिलके हमको पागल बना। तो करो फिर प्रदर्शन गवर्नमेंट के खिलाफ। चलो यहाँ का तो हो गया, थोड़ी सी डिटेलिंग भी देनी है। ठीक है भाई, आपको कोई बुला रहा है? अरे बुलाने दो यार, हम नहीं उठने वाले। आज मेरी इनो बोल रही है कंप्लीट करो मुझे, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। कब से लटका के बैठा हूँ मैं ऐसे, बारिश की वजह से पेपर और ख़राब हो गया, मॉइस्चर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे भाई अब ऐसे ही ऐसे लोग बुलाएंगे, इनो, ज़ीरो टू, मोमो, यारोजू और उचाको। और अगर ये लोग बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? मेरे किसे किसे चले जाएंगे हम लोग। क्या है तुम्हारी आत्मा तो अमर है। पापा बुला रहे हैं किसी को। टू डी गर्लफ्रेंड की बात भी सुन लेते हो? अरे यार गला तो नहीं काट देगी आपका इनो, पता नहीं। अरे काट देने दो यार, सब जायज़ है। यहाँ तो मुझे कल बहुत टाइम लग गया था करने में, यहाँ तो सब कुछ हो ही गया था समझ लो। इतने पार्ट में मुझे इतना टाइम लगेगा ही नहीं। उनकी पेंसिल है ये वाली पेंसिल यूज नहीं करनी है तो थोड़ा सा टचअप देना था, मैं भूल जाता कल ऐसा। हाँ ठीक है। हेलो हेमंत रेड्डी, हेलो बाय बाय। ये भी हो गया भाई अली हो। हाँ हाँ मालूम है। अरे वो अपने फ़ोन से चला रहा है, इसके पापा का फ़ोन नहीं है ये। आई एम एन एस्पायरिंग जो जिनसी आर्टिस्ट, हाउ कैन ड्रॉ मोर अट्रैक्टिव टच मी सेंपाई। अब इसका मैं क्या ही जवाब दूँ तुम्हें। जिस दिन तुम ड्राइंग को पॉजिटिव लेने लगोगे, सोशल मीडिया की मुँह माया से हट जाओगे, 1% भी उससे अफेक्ट नहीं होगे, प्यार हो जाएगा जिस दिन तुम्हें अपने आर्ट से। उस दिन तुम एस्पायरिंग क्या है कि अट्रैक्ट ही अट्रैक्ट हो जाओगे। मुझे देखो, मैं चाहता तो अब तक बंद कर सकता था हार्ड वर्क 3-4 साल हो गए, लेकिन भाई इश्क और जंग में सब जाया गया, तो मुझे इश्क हो गया था। तो देखो नहीं रुका मैं, जो स्टार्ट किया वो करता गया। अबे वाली नहीं भाई, नारुतो में किसी लड़की से शादी करने को मिले तो किससे करोगे? साकुरा? नहीं, साकुरा से तो नहीं, मरना थोड़ी है मुझे साकुरा से ब्याह करके। इसका तो जवाब मैं कैसे दूँ यार? नारुतो में मैं हिनाटा का तो हो गया, खैर उसकी छोटी बहन से कर सकता हूँ मैं, हनाबी से। सुनने में आया काफ़ी हॉट है, हिनाटाई की तरह एकदम। अब चलो छोड़ो, उसके लिए ही मुझे ठोकना पड़ेगा, होकागे बनना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तुम्हारी तो सब पे मेरे भाई नज़र रखनी पड़ती है, एनिमे जीव है। चल भाई इतना हो गया, पता फिर ये भी कर ले, पहले एक तरफ करने का। अबे उधर नहीं, उधर नहीं, यहाँ का भी हो गया सब। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इसकी बारी है। ठीक है, इसको कर लेते हैं फटाफट। Your current best anime recommendation. Stop watching anime 1 year. अच्छा, current, मैंने current में जो सबसे best anime देखा है वो OG anime देखा है, नारुतो। और current में आज के टाइम पर जो सबसे best anime है, जिसमें सब कुछ मिलेगा, वो है My Hero Academia। उसको देखो तुम, अगर सारे सीजन देखे तो 5th सीजन देखो। माय हीरो एकेडमी से कौन सी लड़की क्लास है और भी दोनों में से मोमो, केंडो, उराराका। मोमो भी, केंडो भी, उराराका भी, और वो जो दिखती नहीं है वो भी। हमको तो सब चलेगा, सब चलेगा। इवन मिडोरिया की गर्लफ्रेंड टोडोरोकी भी। भाई मैं 11 बजे डिनर करता हूँ, तो 11 तो बज चुके हैं, नहीं किया क्या? जाओ करके आप। मिडोरिया का बॉयफ्रेंड बाकुगो, मिडोरिया की गर्लफ्रेंड टोडोरोकी, सब कुछ चलेगा हमको तो। इट वॉज ऑलरेडी स्पॉइल्ड। हाँ भाई, जो स्पॉइल्ड हुआ है वो चैप्टर 6 है हुआ है, उसको तो आने में बहुत टाइम है। वो समझ लो सीजन 6 में दिखाई देगा वो हमें, टैगू का रोग बनना और कॉलेज स्कूल छोड़ जाना, वो सीजन 6 में है। जो अभी तो सीजन 5 चल रहा है। अबे मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या? तो कहानी सुना दी मैंने। स्टैडलर पेंसिल भी ख़त्म है। चल भाई हो गया शुरू। पहले अंदर के पार्ट को कर ले। हाँ भाई 12 बजे हैं तो क्या करें। शुक्रिया हमको टाइम बताने के लिए। आज जाना हो सोना हो तो सो जा भाई, किसने रोका है। भाई मैं 12th में कितना, क्या आपका 12th में कितना आया था? मेरा 12th में आया था 57 परसेंट, एकदम धुआंधार। हम यूपी बोर्ड वाले हैं भाई। जो भी है दया दृष्टि देन है, जो भी था। कुटाई बहुत हुई हमारी स्कूल डेज में। भाई मैं 2 सोता हूँ। भाई तू चाहता क्या है बच्चे, तुझे बता पहले। कहीं डिनर इतने बजे करता है, सोना है इतने बज रहे हैं उतने बज रहे हैं, सीधा सीधा बोलना क्या बात है। रुकना है तो रुक, वीडियो देख, एंजॉय कर। तो मुझे भगाना चाहता है तो रुक जा थोड़ी, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अभी ड्राइंग को छोड़ के कैसे चला जाऊं, इतनी शिद्दत से बना रहा हूं मैं। समझो यार थोड़ा। चल ये भी हो गया, इसको भी कर ले फटाफट। क्या आप कल बोल रहा था कि बोल रहा सो जा, मतलब भाई क्या चाहते हो तुम? क्या करूँ मैं, गला दबा लूँ अपना? कल बोल रहा था सो जाऊं, कल की कल निकल गया ना कल, बस आवाज की बात करो ना। कोई मदद करो यार मेरी। मुझे लगता है कोई नहीं मदद करने वाला। सेकंड रहा। आपकी फैमिली में आर्ट सपोर्ट किया था ट्वेल्थ के बाद। नहीं, मेरी फैमिली तो सपोर्ट नहीं करती, बट अब वो रोकते भी नहीं है, क्योंकि अब मैं उस लेवल पे, उस मुकाम पे जा चुका हूँ आर्ट में कि जिसमें मेरी फैमिली ने मुझे आर्ट के लिए छोड़ दिया। मैं कुछ भी बनाऊँ, कितना भी करूँ, क्योंकि मैंने अपना समय है बांट दिया। मेरी लाइफ के लिए मैंने अपना समय, जो टाइम है अभी आर्ट, वो अभी का टाइम है। दिन भर जो मेरा टाइम जाता है वो मेरी फैमिली के लिए और जिम्मेदारियों के लिए जाता है, समझ रहे हो ना। तो मेरी फैमिली को कोई शिकायत नहीं है, वो तो बस ये चाहते हैं। अब मैं आर्ट भी कर रहा हूँ ना, तो आर्ट में कुछ 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 भी हो, बस इसकी आर्ट वेस्ट नहीं जानी चाहिए। दुआ ही करते हैं आर्ट के लिए, या वो YouTube से सक्सेस मिले या फिर वैसे सक्सेस मिले, वो बस सक्सेस ही चाहते हैं आर्ट का। फिरोज अब ये क्या टाइप कर रहा है, एच है फलना ढिकना। सेबेस्टियन किंडो का क्वेश्चन था ये, अच्छा। ठीक लग रही है ना डिज़ाइन। डू यू अर्न मनी थ्रू आर्ट ड्राइंग, डू यू हैव एनी जॉब ड्यूरिंग डे टाइम एंड टेल मी इफ आई कैन हेल्प यू एनी वेज यू डेडिकेट लाइक होकागे। हाँ भाई, करो हेल्प, हमारी क्या हेल्प कर सकते हो। फिलहाल मैं अर्निंग तो कर ही रहा था एज एन आर्टिस्ट। जो करंट सिचुएशन है अभी तो खैर मेरे पास यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं है करने को, लेकिन जब मैं दिल्ली में था तब मेरे पास जॉब भी थी, अर्निंग भी थी और सब कुछ था आर्ट में। क्योंकि वहाँ मैं खुद इंस्टीट्यूट में ही था, टीचर था वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, आर्ट टीचर और पेंसिल आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट था। वर्कशॉप भी किए, सेशन भी किए, सब कुछ करा। लाइफ बढ़िया ही चल रही थी, थोड़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी थी, लेकिन ठीक था, जैसे एक आर्टिस्ट की होनी चाहिए वैसी। लेकिन जब से घर आया लॉकडाउन की वजह से, तब से मैं फिर जा ही नहीं पाया। तो अभी सिचुएशन का पता नहीं, घर वाले जाने भी नहीं दे रहे। अब देखो, अभी ये जो पार्ट कर रहा हूँ मैं, फोल्डिंग वाले पार्ट कर रहा हूँ, मतलब कपड़े की सिकुड़न वाले पार्ट हैं ये। यहाँ जो देखेगा वो सीख जाएगा। जिसने ध्यान नहीं दिया उसकी मैं छोड़ो, कोई बात नहीं। आप अपने जर्नी बताओ ना 12 के बाद। अभी बताऊं 12 के बाद? मेरे ख्वाहिशें तो बड़ी बड़ी थी। मैंने 12 के बाद 1 साल ड्रॉप करी, क्योंकि मार्क्स कम आए थे, कॉलेज मिला नहीं था। सीधी बात है, मैं कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया था, एक साल वेस्ट करी थी। उसके बाद मैंने BCA किया 12th के बाद आगरा से। 3 साल BCA करने के बाद फिर मैं दिल्ली गया ग्रेजुएशन करने के बाद। जॉब भी लगी थी, लेकिन उस जॉब में मुझे मज़ा नहीं आया। इतना सब करने के बाद 10,000 की जॉब मिली थी मुझे सिर्फ सैमसंग में, वो मैंने छोड़ दी। उसके बाद एक कॉल सेंटर में मैंने 2 महीने काम किया था, वहाँ मुझे कुछ नहीं मज़ा आया। सीधी बात है कि मैं तब तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जॉब करना मेरे कैटेगरी का वर्क नहीं है, क्योंकि उसमें मैं सेटल हो ही नहीं पा रहा था, स्पेशली फील्ड का वर्क। ये सब फ़ोन कर करके नॉटन क्या बोलते हैं भाई, हिंदू और मुस्लिम। मैं हिंदू हूँ भाई, आकाश हिंदू, कट्टर मतलब हिंदुस्तानी, देश प्रेमी, सोशल मुद्दों से काफ़ी प्रभावित होता हूँ मैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं मुझे, उन्हें सामने आता होगा। सोशल इश्यूज़ पे मैं बहुत बात करता हूँ। और कहाँ था मैं? हाँ, फिर मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, काफ़ी सालें बीत गई। फिर मैं जॉब करते करते 1 साल मेरा वेस्ट हुआ। उसके बाद मैं लास्ट ईयर के लास्ट में 2018 में दिल्ली आ गया था फाइन आर्ट्स का कोर्स करने, क्योंकि ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में मैंने आर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम मुझे आर्ट की ABCD भी नहीं आती, पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन बचपन से आर्ट का करी थी, लेकिन कभी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं। लेकिन जब सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हुआ तो देखा, लोगों की आर्टें देखी, यूट्यूब पे आर्ट देखी और उनसे प्रभावित हुआ, तो फिर मैंने अब किया। फिर मैंने देखा कि मैं तो कुछ हुई नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने करना स्टार्ट किया। 1 साल घर पे तैयारी करी, आर्ट सीखा होम और सेल्फ स्टडी करके। फिर मैं अच्छा हो गया आर्ट में। उसके बाद फिर मैं गया दिल्ली गया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने। एडमिशन तो छोड़ो, मुझे काम लेने गया था, सीखने गया था और सब कुछ उधर ही करने गया था। मैंने ये बोला था घर वालों से कि मैं जॉब भी करूँगा और आर्ट भी सीखूँगा। तो मेरे आर्ट वर्क जो मैंने बेसिक स्टार्ट में बनाए थे ना, उन्हीं को देख के मुझे एडमिशन मिल गया था, वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट के डिस्काउंट में। मुझे 1 साल के डिप्लोमा में सिर्फ 30,000 ही लगे थे, जबकि उसका पूरा कोर्स 1.5 लाख है फीस डिप्लोमा फाइन आर्ट्स की। मुझे ओनली 30,000 में मिल गया था, क्योंकि मेरी आर्ट से मेरा टीचर प्रभावित हो गया था बहुत ज़्यादा। अब इंटर्न पर रख लिया था उसने मुझे 1 साल के लिए, अपना ही फैकल्टी मेंबर बना के मुझे। भाई यू पुट अ क्राइम बोल्ड इन योर इंस्टा, ऐसा ही भाई सेक्सी लग रहा था। हटा देते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया। अरे मूड होता है तो लगा देते हैं, जब जैसा मूड होता है तो वैसा कर देते हैं प्रोफाइल पिक्चर। ये समझ लो, जैसे मैंने सीरियस एनिमे कैरेक्टर का फ़ोटो लगाई है ना, समझ लो कि लाइफ में कुछ चल रहा है सीरियस। और पर वहाँ पर तो मैं ये समझ लो ऐसा था इंस्टीट्यूट में सीन कि वहाँ पे मैं सीखने से ज़्यादा सिखाने पे फोकस कर रहा था। ये बार बार हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा है? हिंदू और मुस्लिम भाई, तुम अभी 10 साल के हो, है ना, अभी ये सब बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। हिंदू मुस्लिम सेक्युलरिज्म ये सब अभी तुम ना करो तो ही अच्छा है, और तुम कभी ना करो तो ही अच्छा है। और एक बार फिर तुमने हिंदू मुस्लिम यहाँ पर किया ना, तो मैं तुम्हारी डांट लगा दूँगा, फिर तुम जाओगे फिर यहाँ से। और मैंने बोला मैं हिंदू हूँ तो, और फिर भी तुम बार बार वही चीज़ पूछ रहे हो तो। और अगर मैं मुसलमान भी हुआ तो भी मैं बोलता क्या मैं मानूँ प्राउडली, लेकिन ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं बात करते हुए। ठीक है, या तो तुम बच्चे हो कुछ समझते नहीं हो लेकिन इंटेंशनली कुछ पूछ रहे हो, हाँ तुम कैजुअली जानने के लिए पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया, लेकिन अपनी तीसरी चौथी बार वही चीज़ पूछ रहे हो तो अच्छी बात नहीं है बेटा। तो मैं एक गिलास पानी लेके आता, प्यास लगती है मुझे। मेरे को सुना नहीं भाई, मैं हिंदू हूँ, इंडियन हूँ, सीधी बात हिंदुस्तानी हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ सबके साथ मिलके। ठीक है, अब मत पूछना। ईयरफोन दूसरी लगाता हूँ। क्या दिक्कत है भाई, रुको जरा मैं एक गिलास पानी लेके आता हूँ, प्यास लगती है। मुस्लिम तो तब जब तक फॉरेन सब बोलता मैं इंडिया हूँ, और क्या यार। बिल्कुल, अब ये बच्चा 10 साल का है, फिरोज़ अली, इसके पापा का नाम फिरोज़ है, लेकिन ये तीसरी चौथी बार हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और सीधी पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिख रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लिख रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। बच्चे को अभी कोई समझ नहीं है और लिखे जा रहा है, क्या मतलब है इसका। बेटा तुम कहाँ इंडिया में रहते हो ना, तो अपने आप को ना हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, अपने आप को एक हिंदुस्तानी बोलो तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर तुम कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम का गुणगान करोगे ना, भले ही तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो, कहीं पे भी, तो फिर लोग तुम्हें हजम नहीं करेंगे। गर्व से बोलो, प्राउड से, कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं कहीं पे भी ना हिंदुओं के बीच में ना मुसलमानों के बीच में सबके साथ दोस्ती है हमारी, हमारे पापा की भी। ये नहीं बार बार करते हैं कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं फलाना ढिंकाना, प्यार से मिल बाँट के रहते हैं। और ये सब चीज़ें तुम्हें सीखनी भी नहीं चाहिए इतनी सी उम्र में। अच्छा काम करो, अच्छा सीखो। बाबा आकाश ज्ञानी 2.0 ज्ञान दे रहे हैं, तो इस ज्ञान को रखो, मानो। गया शायद, बुरा मान के गया 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 पक्का में गया। बच्चा गया। गया वो बच्चा, कुछ उसको पल्ले तो पड़ा नहीं होगा, मेरी बातों का ना समझ में आया होगा, लेकिन गया। मैं यही हूँ, अच्छा यही है, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तुम्हारी उम्र ये सब चीज़ों में घुसने की नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा काम करो भाई। जहाँ रह रहे हो ना, जिस देश में, उसके लिए काम करो, सिर्फ एक समूह के लिए नहीं। मोबाइल की बैटरी जा रही है आज। Your best drawing is the semi-nude woman in a wet dress which you put in some competition। हाँ, एग्जीबिशन के लिए बनाई थी मैंने वो, मुझे उसमें सेकंड प्राइज़ भी मिला था भाई। कल DBS की ड्राइंग नहीं, मेरा रेनगोकू डिसाइड है, पहले मैं रेनगोकू बनाऊंगा। लाइव स्ट्रीम में भी और नॉर्मल वीडियो के लिए रेनगोकू डालना है मुझे। उसके बाद मैं वेजिटा हकाइशन बनाऊंगा, नया वाला, ठीक है? या हाँ, वेजिटा हकाइशन, खुश हो जाओगे, ऐसा वेजिटा बनाऊंगा, ठीक है? तो बेफिक्र रहो, मैं सबकी सुनता हूँ, सबके फेवरेट कैरर्स की रिक्वेस्ट पूरी करता हूँ मैं। जिसके एक ने बोला था यार्ड राट वेजिटा बनाओ, तो मैंने यार्ड राट वेजिटा बनाया। एक ने बोला कि रेनगोकू बनाओ, तो रेनगोकू भी लाइव स्ट्रीम में बनाया था। वेरी गुड। मैं तो भाई, मैं तो बस फीमेल कैरेक्टर को ही ड्रॉ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ ना फीमेल कैरेक्टर्स, सबसे अच्छा है बनाना। जो चीज़ फीमेल कैरेक्टर से की बॉडी से, एनाटॉमी से सीखने को। फीमेल कैरेक्टर फेस हो, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर की लिप्स, आइज, नो, सब कुछ मेल की अपेक्षा बहुत मुश्किल होते हैं बनाना। बाल भी फीमेल कैरेक्टर्स के लंबे होते हैं, बॉडी की एनाटॉमी भी अलग होती है, तो वो चीज़ अट्रैक्टिव भी लगती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मैं एज एन आर्टिस्ट नहीं, ये चीज़ मैं एज ए आर्ट टीचर बता रहा हूँ तुम लोगों को। मैंने तो अपने इंस्टीट्यूट में, मैंने खुद और मैंने अपने स्टूडेंट से न्यूड आर्ट वर्क करवाए, फीमेल के, लड़कों से भी लड़कियों से भी। न्यूड से ही सीखने को मिलता है, क्योंकि उसमें बॉडी के एक एक पार्ट कहाँ कैसे बनाना है, सीखना है, सब कुछ सीखने को मिलता है, ऊपर का हो या नीचे का, कहीं का भी। एक आर्टिस्ट को शर्म तो छोड़नी पड़ती है सबसे पहले, अगर उसे रियल आर्टिस्ट बनना है तो। अगर वो एनिमेशन का न्यूड बना रहा हो या फिर वैसा न्यूड बना रहा हो रियलिस्टिक, शर्म छोड़नी पड़ेगी उसे। जिसने छोड़ दी शर्म, वही सक्सेस बनेगा आर्टिस्ट, आर्ट में। भाई मेरा क्यों कॉन्सर्ट जो मैंने सुना नहीं भाई, यानी मैं देखना कैसे शुरू किया टीवी से। मेरे चैनल यहाँ पे जब मैं छोटा बच्चा था 8th में या 9th में 2004 या 2005 की बात है, कार्टून नेटवर्क नाम का चैनल आता नहीं था। हम अपनी बुआ के यहाँ जाते थे आगरा, वहाँ पे कार्टून नेटवर्क आता था, वहाँ से हमने कार्टून देखने सीखे पहली बार के कार्टून होते कैसे। और उसके बाद एनिमे पोकीमोन, सबसे पहले मेरी छोटी बहन ने बताया कि देखो ये पोकीमोन है कितना अच्छा है, तो वहाँ से पता चला कि ऐसे कार्टून्स भी आते हैं। उस टाइम में एनिमे कार्टून का कुछ मतलब पता नहीं था। तो जब हम 1 साल 2 साल 5 साल के बाद 2005 में तो हमारे यहाँ पर पहली बार एयर हुआ कार्टून नेटवर्क, तो उसमें पोकेमोन के साथ साथ बेब्लेड भी आ रहा था। तब वहाँ से हमने पोकेमोन्स बहुत सारे कार्टून्स जो गोल्डन कार्टून आते थे, करेज द कावरी लॉ, पावर ऑफ गर्ल्स, टॉम एंड जेरी, जॉनी ब्रावो, फलाना ढिंकाना, वो सब देखे, खूब एंजॉय किया। और साथ साथ एनिमेज भी देखे, एनिमेज बहुत तगड़े तगड़े आते थे उस टाइम पे। पोकेमोन के साथ टूनामी आता था उस टाइम, पोकेमोन, डिजीमोन, ट्रांसफॉर्मर्स, बेब्लेड, बहुत वहाँ से एनिमे के देखने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मैंने कभी उस टाइम पे एनिमे या कार्टून में डिफरेंस नहीं सीखा। ड्रैगन बॉल जी देखा मैंने जिस टाइम, हमारे पूरे घर में सारे भाइयों ने, उस टाइम पे समझ लो कि नज़रिया ही बदल गया, नज़रिया ही बदल गया भाई कार्टून्स और एनिमे देखने का। जब ड्रैगन बॉल जी पहली बार हम लोगों ने देखना शुरू किया, फ्रीजा सागा भाई, हम लोग जैसे ही लाइट आती थी, वहाँ पे टाइम से लाइट आती थी और जाती थी, तुरंत भागते थे टीवी खोलने के लिए। स्कूल से आने के बाद तुरंत ड्रैगन बॉल जी, पोकेमॉन देखने के लिए बैठ जाते थे। तो वहाँ से ही हमारा एनिमे देखने का शुरू हुआ सब। फिर जब सब कुछ देख के ख़त्म किया, थोड़ा बड़े हुए, मैच्योर हुए, उसके बाद 10th में 12th में देखना बंद कर दिया था एनिमेज, क्योंकि उस टाइम स्कूल पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था। जब 8th में 9th में वगैरह थे ना, 9th में भी नहीं 7-8th में वहाँ पे कार्टून देखते थे हम ऐसे। जब 10th में 12th तक तो नहीं देख पाया कार्टून इतना, क्योंकि इस टाइम 16 में आ गया था, जवानी का जोश चढ़ गया था, प्यूबर्टी आ गई थी शरीर में, जीन्स एक्टिवेट हो गए थे, तो कार्टून्स एनिमेस को सबसे ध्यान हटके लौंडियाबाजी पे ध्यान आ गया था। लेकिन लौंडियाबाजी करने की कोशिश खूब करी, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन उस डिपार्टमेंट में उतना चला नहीं, क्योंकि फुद्दू थे हम, जहाँ करना था वहाँ किया नहीं, जहाँ नहीं होना था कुछ वहाँ पागलों की तरह आशिक बनते रहे। तो वो चीज़, वो फेस निकल गया यही सब में। फिर जब कॉलेज लाइफ शुरू करी तो वहाँ से मैं, हमने जियो आ गया था, सब कुछ आ गया था, रिलायंस का नहीं, वो तो कॉलेज के बाद की कहानी नहीं, कॉलेज लाइफ में भी एनिमे नहीं देख पाया। कॉलेज लाइफ के बाद जब जियो वगैरह आया ना, जियो वगैरह आया, वहाँ से हमने मोबाइल्स को एक्सप्लोर करना, यूट्यूब को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कि नहीं तो उसके पहले जो डेटा हम करवाते थे, कहीं 10 रुपए का, कहीं 20 रुपए का, कहीं महीने भर में 1 GB तक का रखवाते थे, 199 का इतना ही कुछ। तो जियो के बाद सब कुछ बदल गया, एनिमे भी देखना शुरू किया, सब कुछ। और वहाँ से हमें पता लगा कि एनिमे क्या चीज़ है, पोकेमोन और कार्टून्स क्या चीज़ है, और सब कुछ क्या चीज़ है। समझ लो वहाँ से सब कुछ बदल गया। कार्टून्स और एनिमेस क्या होता है, सब कुछ उसके बाद से ही सीखने को मिला। यही है, ऐसे ही हमने सीखा है एनिमेस भी, सब कुछ देखना, सीखना, करना। पोकेमॉन इज एनिमे, पोकेमॉन एनिमे है, लेकिन वो शोनन एनिमे नहीं है। शोनन एनिमे जैसे पोकेमॉन एक जायंट एनिमे है, अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट एड एनिमे है, उसके बाद वन पीस। लेकिन पोकेमॉन बहुत हल्का, ये समझ लो बिगिनर के लेवल का एनिमे है। वन पीस, नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, ब्लीच, ये हैं जो जाइंट एनिमेज हैं, ये शोनन एनिमेज हैं, ये है रियल एनिमेज। पोकेमॉन और फलाना ढिंकाना बेबलेट, ये इंट्रोडक्शन एनिमे से इंट्रोडक्शन कराने वाले एनिमे थे। उनको इस तरीके से दिखाया गया कि लोगों को लगे कि हम कार्टून ही देख रहे हैं। वैसे पोकेमॉन का जैसे नरेशन चलता था लूप में, तो और एक ही एपिसोड में सब कुछ दिखाना, पूरा क्लाइमैक्स सब कुछ कर देना, तो पोकेमॉन एक बहुत हल्का एनिमे था। लेकिन उसके बाद जो एनिमेज टीवी पे नहीं देखे गए और नेट से देखे गए, वहाँ पे वो एनिमेज की गहराई पता चली कि एनिमे क्या चीज़ है। वहाँ से पता लगा कि हम किसी भी वैरायटी का एनिमे देख सकते हैं। पोकेमॉन तो बच्चों के लिए एनिमे, ये समझ लो कि पोकेमॉन को इस लेवल का बनाया गया। लेकिन पोकेमॉन में भी एक सीरीज़ एक टाइम ऐसा आया जिसने पोकेमॉन का पूरा वो ही बदल दिया था। पोकेमॉन को बहुत तगड़ा आर्क सीरीज़ थी, वो थी पोकेमॉन XY और XYZ मेगा एवोल्यूशन। ये समझ लो पोकेमॉन की सारी सीरीज़ में मैंने सबसे बेस्ट कोई सीरीज़ देखी तो पोकेमॉन XY में रियल फाइट सीन, OST, सब कुछ, और स्टोरी डेवलपमेंट, पोकेमॉन्स भी एक से एक खतरनाक, तगड़े, सब कुछ। भाई 2 मिनट में स्नैपचैट, अरे भाई जल्दी जा, जल्दी करके या बच्चे, तुम्हारी उम्र है यही सब करने की। ठीक भेजो, दुनिया भर का भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई है पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ। हेलो स्काई विया, आई एम बैक। प्रीति भास्कर आर्ट है यहाँ पे, ठीक है। हेलो प्रीति, तो यही है पोकेमॉन के बारे में, एनिमेज के बारे में बता रहा था। पोकेमॉन बहुत हल्का फुल्का एनिमे है जिसको बच्चे इजीली देख सकते हैं। ये समझ लो मैच्योर्ड एनिमे नहीं है पोकेमॉन, जिसमें सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। जानवरों के साथ प्यार कैसे करना चाहिए, दूसरों के साथ लव्स कनेक्शन, एनिमल्स के साथ कैसे कनेक्शन, लव्स सब कुछ सिखाया गया पोकेमॉन में। लेकिन वो मैच्योरिटी जो हमें वेराइटी जो गहराई और एनिमेज में देखने को मिली वो उसमें नहीं है। XYZ सीरीज़ मस्त है पोकेमॉन की जॉनरा की अब तक किस पर। हेलो आई एम ड्राइंग, वेलकम। आई नो यू आर हेयर सिंस फ्रॉम बिगिनिंग बट थैंक यू। ये बंदी बोली आई एम हेयर सिंस यू स्टार्ट द लाइव स्ट्रीम, पागल बनाती है ये। Cast, that's bomb. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ah, Firoz back, Ali back. Firoz, मुझसे हाथ मिला ले है। इसकी बॉडी का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया मैंने। ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं करने जा रहा हूँ बैकग्राउंड। हाँ, मैं थोड़ी सी डेप्थनेस बढ़ा दें पहले, 1 सेकेंड। अब मैं बैकग्राउंड करने जा रहा हूँ, बने रहना, ख़त्म करने वाला हूँ मैं पूरी ड्राइंग को आज। सही है यार, 1 घंटा भी नहीं होगा अभी लाइव आए हुए। 1 घंटा तो हो गया और 20 लोगों ने लाइक कर दिया मेरा वीडियो, मेरी लाइव स्ट्रीम। हाउ टू गिव यू रियलिस्टिक एनिमे ड्राइंग, मतलब हाउ टू मेक डॉन नंबर 1 डीमंस लेयर पहाड़। भाई पहाड़ नहीं पहाड़, हाँ भाई डीमंस लेयर बिग 3 में आता है मॉडर्न जनरेशन के एनिमेज में, अलॉन्ग विथ माई हीरो एकेडेमिया। अब ये पार्ट पकड़े यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे सेम बैकग्राउंड यहाँ पे किया था ना, ऐसे ही यहाँ पे करना। तो ड्राइंग बन चुकी है, देखो यही है इसका कपड़े का डिज़ाइन। जितना मुझे करना था मैंने कर लिया। जो है मैं बैकग्राउंड करने जा रहा हूँ, गिर ना जाए मेरा स्टैंड। अब ठीक है, ये पूरा फ्रेम है मेरी ड्राइंग का। हार्ट लग रही है ना, किस किस को हार्ट लग रही है मेरी में, ये बताए क्या सीन है। ये बच्चा 10 साल का होके बोल रहा है क्या सीन है, बहुत आगे जाएगा। कल तो मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद कल मैं आउटलाइन कर लूँगा रैंगोकू की लाइव स्ट्रीम के लिए। मेरी भाई आपके भाई आप ठीक हैं? हाँ मेरा भाई ठीक है, हाँ पढ़ लिया मैंने, तुमसे ज़्यादा फास्ट हूँ मैं। हेलो शीला गौतम, वेलकम। मेरा भाई ठीक है, हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। मेरा डॉगी भी ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल ठीक नहीं है बस। पेपर भूल गया इसलिए पॉपअप कर रहा है और ड्राइंग शेडिंग होने में भी प्रॉब्लम दे रहा है। खराब ना हो जाए, जिंदगी झंड हो जाएगी वरना। ईगल वाली ड्राइंग स्टार्ट करी थी लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया, आलसी है ना एक नंबर। आप इस हफ्ते इस वीकेंड स्टार्ट कर दूँगा दोबारा। आपको इतना लेट क्यों लगता है ड्राइंग बनाने में? प्लीज़ आप माई हीरो एकेडमी से टोटोरोकी ड्रॉ कीजिए, माई फेवरेट। टोटोरोकी बना चुके हैं, रात को देखूंगा। ओके, पबजी और फ्री फायर, इनमें से कोई नहीं भाई, ना पबजी ना फ्री फायर, हम उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। मैं एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास इन गेम्स को खेलने का टाइम ही नहीं है। सीधी सी बात, कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। गेम्स खेलता हूँ मैं, अपने जॉनरा के गेम्स खेलता हूँ मैं, ये गेम्स नहीं खेल के तुम नाम ले रहे हो। बाकी और गेम्स खेलता हूँ मैं एनिमे से रिलेटेड। आरपीजी मेरा फेवरेट जो जॉनरा है वो है फाइटिंग का, फाइटिंग गेम्स मेरा फेवरेट जॉनरा है। उसका ना भाई फिरोज, इसके फादर का नाम है। ये बच्चा अपने पापा के फ़ोन से चला रहा है, बच्चा नादान है, वो अभी हिंदू मुस्लिम भी कर रहा था, तो अभी नादान है वो बच्चा, 10 साल का है ओनली अली। तो कोई बात नहीं, मैंने उसको समझा दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी अभी उसमें जितनी समझ उतनी तो बात करेगा वो अभी सीखेगा दुनियादारी के बारे में और सब चीज़ के बारे में। अभी उसके फ़न करने का, एंजॉय करने की फेस है ये, एडल्ट भी नहीं है अभी तो अभी ज्ञान ना दो, अभी बस उसे तालीम दो बस। ये कम से कम 3-4 बार कमेंट में हिंदू और मुस्लिम, जैसे पबजी और फ्री फायर लिखा ना, वैसे ही लिखा था इसमें। तो मैंने उसे समझा दिया, भाई अभी इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे काम करो, हिंदुस्तानी नागरिक बनो। तो देखते हैं, मैं इतना स्ट्रोक मारना, बाकी तो पूरा वो ऊपर का टिश्यू पेपर से ही हो जाएगा। ये समझ लो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा मुझे ड्राइंग करने में, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, हो जाएगा काम जल्दी। अभी हाल निपटाता हूँ उसे देखो। Basically don't waste time, games can destroy your future। भाई अगर मैं गेम खेलता PUBG और फ्री फायर वगैरह, तो मैं अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं कर पाता आर्ट में। भले ही मुझे सोशल मीडिया पे उतनी सक्सेस ना मिली, लेकिन मेरी पेंसिल स्किल जिसने देखी है वो जानता है कैसी है। Understand who is Rengoku। जब मैं बनाऊंगा Demon Slayer का हाशिरा कैरेक्टर है, तब देख लेना who is Rengoku, ठीक है? अभी तुम बच्चे हो, तुमने से ज़्यादा अभी सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल ही एक्सप्लोर किया होगा, वो भी कम, थोड़ा बहुत, वो भी सिर्फ उसकी एक्शन और रेंज की वजह से। क्योंकि तुम्हारी उम्र में सबको ही एटलीस्ट एक ही एनिमे से ही ऑब्सेस्ड होता है, वो ड्रैगन बॉल, और मैं भी वही था। मेरी उम्र में भी मैं सबसे ज़्यादा, मेरा भाई भी सबसे ज़्यादा ड्रैगन बॉल से ही ऑब्सेस्ड थे। जब तक कि मैंने और एनिमेस एक्सप्लोर नहीं किए, तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल को ही बेस्ट मानता रहा, क्योंकि फिर बाद में पता चला ड्रैगन बॉल तो एक बहुत ही वीक एनिमे है आज के टाइम पर। ड्रैगन बॉल जी की बात नहीं कर रहा मैं, ड्रैगन बॉल सुपर की बात कर रहा हूँ। इवन बोरुतो से अच्छा है। मैं ड्रैगन बॉल को हेट नहीं करता हूँ, इधर कोई गालियाँ मत देने लग जाना मुझे। मेरे चैनल पे आज भी सबसे ज़्यादा ड्रैगन बॉल की ही ड्राइंग पड़ी मिलेंगी। लेकिन नारुतो देखने के बाद मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल गया, और एनिमेस को देखने का भी नज़रिया बदल गया। भाई रेमन दास को चुप कर दो, रेमन भाई चुप हो जाए, ठीक है? बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, उसे बुरा लग रहा है। अभी 10 साल का है, इतना समझाओ मत उसे। हेलो देवेश कुलकर्णी भाई, ड्रैगन बॉल जी मस्त है भाई। रेमन मत बोले यार, मत परेशान करो उसे, बच्चा है वो। अभी उसमें उतनी जितनी समझ है उतनी तो बात करेगा ना, तो अभी इतना मत समझाओ उसे। मत सोने को मत बोलो, वो उसने पहले ही बोल दिया वो 2 बजे सोता है। हम इसकी उम्र में थे तो 2 बजे हम जब सोते थे ना, तो हमारे घर वालों को शक होता था कि 2 बजे कर क्या रहा है। भाई फ़ोन ले लिया। किसने? मैंने नहीं। अच्छा तुमने ले लिया, वेरी गुड, बधाई हो। हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मैं भी फ़ोन लेने वाला हूँ रक्षाबंधन तक, कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ मैं फ़ोन लेने के लिए। बताना कोई 20,000 की रेंज में अच्छा सा फ़ोन जो है, इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, एटलीस्ट एक रिकॉर्डिंग 1080 पिक्सल में हो HD, और स्टोरेज भी अच्छा खासा हो, और गेमिंग्स भी ठीक हो। ऐसा कोई फ़ोन बताना। ओप्पो, वीवो, MI कुछ भी चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो मेरी यूट्यूब वीडियोस की क्वालिटी भी ठीक हो, और क्या कहते हैं, और गेमिंग्स में भी ठीक हो। Realme 8 कितने का है? Realme 8, Oppo, ये क्या है? Oppo Free पूरा तो लगता। भाई कैसे कंफ्यूज करता है तू मुझे। अब पूरा लिखो Oppo क्या मांगे तो शारिंगन गेंजित्सु में डाल दूंगा मैं तुम्हें। ओप्पो का तो 5000 वाला भी आता है, तो 5000 वाला ले लूँ क्या? नंबर बताओ मुझे, सीरीज़ बताओ। ओप्पो का कौन सा मॉडल? अब यहाँ मैं पेंसिल सर्कुलर मोशन में चला रहा हूँ, अगर जिगजैग वाले स्ट्रोक मारूंगा ना तो दिखने लगेंगे फिर वो शेडिंग के बाद। इसलिए सर्कुलर, ऐसे गोल गोल सर्कुलर के मोशन में ही चलानी चाहिए शेडिंग हमेशा। अभी इतना सा करने के बाद मैं टिश्यू पेपर सा कर दूंगा। इसको एक बार नीचे उतारना थोड़ा सा बस। Oppo Reno 6 ठीक है, मैं आज देखूंगा, चेक करूंगा। Realme भी चेक करूंगा, Oppo भी चेक करूंगा। लो तुम लोगों के चक्कर में ये लाइन खींच गई, अब मुझे पूरे में डार्क करना पड़ेगा इस लाइन से, मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की वजह से। मुझे हार्ड स्ट्रोक देना पड़ेगा, और भी यूज़ करनी पड़ेगी मुझे, इस पेंसिल से तो काम होगा नहीं। ये पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी। Realme 8, 8 GB RAM, 128 GB इंटरनल। अच्छा Realme 8 15,000, बैटरी, चार्जर, डिस्प्ले, एलमोन सर्विस ठीक है। तो मैं Realme पे ही सबसे पहले फोकस करूँगा, Realme 8 पे। अगर 15,000 का है तो वो तो मैं इसी महीने उठा लूँगा। तुमने कौन सा फ़ोन लिया? तो अपना फ़ोन बता। हीरो? आई मीन सन ऑफ हीरोज। फिरोज मत बोलो भाई, बुरा लगेगा उसे, बच्चा है वो। अली नाम है उसका, चिढ़ाओ मत उसे, बहुत स्वीट सा इनोसेंट टाइप बच्चा है वो। आप लिंक सेंड हाँ कर दो। फिंगरप्रिंट है ना, क्योंकि मैं लॉक वॉक खोलने में बहुत आलस आता है मुझे। 9 GB, अच्छा 69 GB कहाँ होती है यार। 64 के बाद 28 होगा। यहाँ पे पैच आ गए इस जगह पे, दिख रहे होंगे तुम लोगों को। अब मुझे डर लग रहा है वहाँ पे ठीक कैसे होगा। चलो कुछ ना कुछ तो करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले, डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट, मैंने तो फ़ोन के पीछे फिंगरप्रिंट देखा, डिस्प्ले में कौन से फिंगरप्रिंट आने लगा। अरे अब फिरोज बोल रहा है कि मेरा वाला फ़ोन ले लो, ओप्पो रेनो 6, दोनों का देखूंगा भाई, कंपैरिजन करूंगा। आई एम नॉट स्वीट, ये स्वीट नहीं है, ये ईविल है। अली के पास भी है, अच्छा मैं देखूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, रेनो 6 को भी और रियलमी 8 को भी, तो जौन सा मुझे ठीक लगेगा वो मैं देखूंगा। हम तो अपने घर के गुंडे हैं, वाह 10 साल का गुंडा है, बच्चा गुंडा। तो तुम्हारी उम्र में बच्चा ही गुंडा होता है भाई। हमारे भाभी का लड़का जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने का है, वो भी गुंडा है, पूरा घर लिए लिए घूमता है उसे इशारों पे। भाभी का 2-3 साल का लड़का भी है, वो महागुंडा है, पूरे घर को नचाता है वो। हाँ भाई भेज दिए, लिंक मिल गई मुझे। आज ईशान नहीं आया, ईशान ने बोल दिया था आज वो आ नहीं पा रहा, उसकी तबीयत खराब है। बोल हाईलाइट देख लेगा वीडियो की। ईशान सबसे पहले आता है लाइव स्ट्रीम मेरी ज्वाइन करने, रैन गोकू वाली देखेगा। कभी भी इस जगह पर जहाँ पे कैरेक्टर है ये, उसके साइड पे कभी भी टिश्यू पेपर से स्मज मत करना बैकग्राउंड, हमेशा इतने पार्ट को ब्रश से करो जो शार्प हो, ईजिली हो सके, फैले ना। उसके बाद यहाँ का जो पार्ट है उसको टिश्यू पेपर से भले ही कर लो भाई। यू कैन रिकॉर्ड अप टू 4K वीडियोस, अच्छा 18 ईयर ओल्ड मी, तुम तो 18 ईयर ओल्ड, हम तो भाई 26 ईयर ओल्ड मी। क्राइस इन कॉर्नर दिस वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हेन दिस वर्ल्ड शो पेन, दिस वर्ल्ड शल नो पेन। मैंने भी यूट्यूब के लिए लिया है, अच्छा अच्छा है, क्वालिटी वगैरह अच्छी है उसकी। चलो देखते हैं डाटा कहाँ लगा सारा। मतलब डाटा, अच्छा हम लोगों की बात चल रही है, ठीक है। तो इस जगह पर शेडिंग करने के लिए, ऐसे बैकग्राउंड करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। ये पूरी जो लाइन है, ये वाली पूरी जो लाइन है वो ब्रश से करनी है, पतली लाइन दिखनी नहीं चाहिए ऐसे। अभी मैं उसको कर दूंगा पेंसिल से, इरेजर से। Pain arc was the best arc in Naruto anime. Pain arc was the best arc, hands down. अब हो गया ना, देखो लग रहा है ना, बढ़िया स्मूथ। अभी और करनी है इस तरफ। अरे भाई चुप करिए, मार दूंगी चुप। यार मेरी लड़ाई मत करना, भले ही मजाक कर लो। अली से कोई गलत बात नहीं करेगा। टांग खींचो, मजाक करो, लेकिन गलत बात नहीं। उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, बच्चा है वो, समझता नहीं है अभी, ह्यूमर सेंसिटिव मोड में है। मुझे कॉन्ट्रा रिटर्न्स खेलना है यार, सारा डाउनलोड करके रख लिया लेकिन खोला है एक भी दिन में। मेरा टाइम ही निकल जाता है, कभी ड्राइंग में, कभी और दूसरे गेम खेलने में, कभी सोने में, कभी फालतू चीज़ें करने में। इसकी ज़रूरत नहीं है यार, टिश्यू पेपर की ज़रूरत है। ओके यार प्यास लग गई, एक गिलास पानी। जॉब मार्केट से शिट क्या करा, मार्क्स अच्छा है बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। पहले तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें वीडियो एडिटर बनना है, इलस्ट्रेटर बनना है या फिर आर्टिस्ट बनना है। तो हम पहले अपनी स्किल्स तुम देखो क्या है तुम्हारी डिजिटली में, क्या स्किल है। तुम वीडियो एडिटिंग करते हो या फोटोशॉप करते हो, क्या करते हो। उसके अकॉर्डिंग जब जाओगे ना डिजिटल किसी भी स्टूडियो में जाओगे, वहाँ पे किसी भी चीज़ की भी नीड हो सकती है उन्हें। तो तुम्हें ऐसा नहीं है, अगर कोई भी स्टूडियो दिखे मिले तो जाओ ज़रूर। भाई सालों मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसकी बातों को हल्के में मत लो, हल्के में ले लो, छोड़ दो भाई। 2 वीडियोस भेज दिए हैं, एक फीचर का और एक स्ट्रेंथ का है। हाँ ठीक है। आई नीड टू डू इंजीनियरिंग, कैन आई लर्न डिजिटल ड्राइंग ऑनलाइन। भाई इंजीनियरिंग में इन सब चीज़ ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम आर्किटेक्ट में हो या कुछ में हो तो तुम्हें बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। बेसिक में ये ड्राइंग नहीं सीखनी पड़ेगी, जिस लाइन का तुम्हें वर्क करना है तो उसी लाइन से रिलेटेड सीखना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव सीख लो, मेन चीज़ पर्सपेक्टिव जानते हो, 1 पॉइंट व्यू 2 पॉइंट व्यू ये सीख लो तुम, इसकी नीड पड़ेगी तुम्हें इंजीनियरिंग में। उसमें मेन चीज़ डाटा काउंसलिंग और डाटा एंट्री के बारे में से टाइप का होता है वो जॉब। बस भाई जल्दी करो ना, हमारा तो ऐसे ही चलता है, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ अली, हम तो तब तक अपनी ड्राइंग को पूरा टाइम नहीं देंगे तब तक हमारी ड्राइंग निकल के भी नहीं आएगी। तुम्हें सोना है जाना है तो जाओ, मुझे अभी लग जाएगा 15-20 मिनट, क्या पता थोड़ी और ज़्यादा ही टाइम लग जाए, क्योंकि यहीं पर टाइम लगना मुझे जितना लगना, ऊपर नहीं। एनिमेशन अगर साइड में अगर एनिमेशन लाइन में जाना चाहते हो तो फिर एनिमेशन लाइन का ही काम करो, उसी को ही सीखो तुम। उसमें मेन चीज़ तुम्हें फ़ोटोशॉप आना चाहिए एनिमेशन में, और पेन टैबलेट की चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें, डिजिटल इलस्ट्रेशन ये सब चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें। मेन चीज़ मैं कहाँ पे मात खाया डिजिटल में कि मेरा डिजिटल स्ट्रॉन्ग नहीं था, डिजिटल आता तो था, कैरेक्टर डिज़ाइन कर लेता था, ड्रॉ भी कर लेता था, लेकिन बहुत स्लो था। लेकिन प्राइवेट जॉब में और डिजिटल सेक्टर में उन्हें स्पीड चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं है उन्हें, जल्दी जल्दी बना के दो। और मेरी पेन टैबलेट पे स्किल नहीं है, मेरी जो स्किल है वो पेपर पे है जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ मुझे किसी का बाप फेल नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर कंपटीशन बहुत है यार, एटलीस्ट थोड़ी बहुत मांगा की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल में ज़्यादातर 2D कैरेक्टर्स के ही वर्क आते हैं। स्पेशली अगर इंडिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट का स्टूडियो में गए तो वो तुमसे बच्चों के कार्टून बनवाएंगे, जहाँ पे मैंने खुद से ही अपने हाथों से ही जॉब छोड़ी वो, क्योंकि वो मेरी कैटेगरी का वर्क था ही नहीं। इफ़ यू हैव पेन टैबलेट देन जस्ट कीप गोइंग, करो भाई रोको मत, पेन टैबलेट ही करो। और हमारे लिए एक अच्छा सा इंट्रो बना दो यार, तुम्हारा जो इंट्रो तुमने बनाया था कचर कचर होता है, जिसमें कई लोगों ने बोला, सब्सक्राइबर्स ने, इस इंट्रो की आवाज़ सुन के कान में कचर कचर हो गया, कान में स्क्रैच हो गया, स्क्रैच कचर कचर जो भी समझ में आए समझ लो। रहमान ने ही बनाया था ना, किसने बनाया था मुझे जहाँ तक याद है इसी ने ही बनाया था इंट्रो। 2 इंट्रो बनाए थे, एक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो इसलिए कोई यूज़ नहीं कर, एक को यूज़ कर रहा हूँ लेकिन सोच रहा हूँ इंट्रो उनको छोड़ के डायरेक्ट ही बनाऊँ। और यहाँ पे इन लाइंस को मुझे गायब कर, कैसा टाइप का चाहिए, हाँ ग्लिच वाला, इसलिए वो ग्लिच वाला था, उसको कई लोगों ने बोला, उस इंट्रो की आवाज़ सुन के कान में कचर कचर हो गया उनके। मैं एक आध स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तुम्हें, तुम जैसा ऐसा बनाना जैसे आयुष पेंसिल आर्ट का स्टूडियो था ना, मुझसे जो तुम्हारा चार्ज होगा वो ले लेना अच्छा सा। इंट्रो चाहिए मुझे, फट गया यहाँ पे पेपर, यहाँ पे नहीं कर सकता मैं, नहीं तो नुकसान बन जाएगा। इधर उधर कर लेता हूँ, ऊपर का छोड़ देता हूँ, मैं ज़्यादा जोर से घिस दिया था पेपर। मैं टेपिंग हटाने वाला हूँ, मैं टेपिंग अभी नहीं हटाऊंगा, मैं शॉर्ट बनाऊंगा इसके लिए, उसमें हटाऊंगा टेपिंग। सॉरी गाइस, मैं टेपिंग अभी नहीं हटाऊंगा, मैं टेप हटाऊँगा शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो के लिए। ऑलवेज फ्री फॉर योर लेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड तक, मैक्सिमम 5 सेकंड तक का इंट्रो होना चाहिए। मैं तुम्हें भेजूंगा वीडियो, मुझे इस टाइप का बना सको तो बना दो यार। थैंक यू देविश कुलकर्णी, एनिमेशन करते हो, ग्लिच वाला नहीं चाहिए मुझे, चाहिए सॉफ्ट वाला म्यूज़िक जिसका सॉफ्ट हो और कानों में अच्छा आरामदायक हो। लोगों को स्किप ना करना पड़े इंट्रो, ऐसा चाहिए। या तो मेरी ही ड्राइंग को बनते हुए का कुछ ऐसा कुछ बना दो, मैं भेजूँगा एक वीडियो उस टाइप का बना दो तुम। हम जो अपना तुम्हारा चार्ज हो वो बता देना मुझे। यहाँ फट गया पेपर, चलो छोड़ो, अब ज़्यादा किया ना तो निशान। भाई आप कितने साल के हो? हम, हमारी शादी होने वाली है अगले साल, इतने हैं साल के हैं। अपनी बीवी की फ़ोटो बनाएंगे फिर हम, काम धंधा छोड़ के। अभी सही बदबू आ रही है मुझे इस चीज़ की। ठीक लग रहा है या और कुछ करूं? दो थोड़ी सा बस हो ही गया, मुझे जो करना था वो मैंने कर ही दिया। देवेश बोला करो, अच्छा हाँ भाई देवेश, ठीक है। फैसिनेटिंग, हेलो गरीब गेमर, थैंक यू। इस वाली ड्राइंग पे मुझे सही में रिस्पांस अच्छा मिला। अरे बाकी मुझे जो स्टार्टिंग की लाइव स्ट्रीम में मिलता था रिस्पॉन्स वैसे ही मिला। एक ही दिन में 100 व्यूज़ और एक ही दिन में इतने लाइक्स, वो भी लाइव स्ट्रीम अभी चल ही रही है। हाँ कर दो सेंड, करना सेंड, मैं देखूँगा। मुझे वो कचर कचर वाला इंट्रो बंद करना है यार, मुझे भी यह बहुत बोरिंग लग रहा है। कचर कचर के चक्कर में मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग स्किप कर देते हैं वो इंट्रो मेरा, जिस वजह से उसी टाइम पे ही मेरी वीडियो डेड हो जाती है स्किप करने की वजह से। लोगों को स्किप ना करना पड़े, ऐसा इंट्रो चाहिए मुझे। पैसे लेता है वो रायमन, इसी ने ही बनाया मेरा वो इंट्रो। शुरू में तुम लोग वीडियो में देखते हो जो कचर कचर वाला ट्रांसफॉर्मर टाइप, जब मैं कोई ऑप्टिमस प्राइम बनाऊंगा जब मैं तब लगाऊंगा वो, तब उसमें सूट करेगा वो। या कोई रोबोटिक आर्ट वर्क करूँगा टर्मिनेटर में। चलो मैं अभी टेपिंग कर देता हूँ, ठीक है। टेप करूँ या फिर शॉर्ट वीडियो बनाऊँ टेप का? ड्राइंग देख ली है, शॉर्ट वीडियो में देख लेना टेपिंग। शॉर्ट रिकॉर्ड कर लेने दो मुझे। आर्कम सीरीज बैटमैन देखते हैं, मेरे लाइन में भी कई सारे बैटमैन लगे पड़े हैं। एक क्रिश्चियन बेल डार्क नाइट वाला बैटमैन बनाना है, एक अभी नया वाला बैटमैन बनाना है। और एक अपना बैन एफ्लेक वाला बैटमैन बनाना, जस्टिस लीग वाला। अली जो नहीं करते इधर देखना पेपर फट गया है। चलो कोई बात नहीं, इधर में से ज़रा चलाऊंगा ना तो निशान आ जाएगा, इसलिए वहाँ का पार्ट छोड़ दिया मैंने। मेन चीज़ उधर कर लिया, वो काफ़ी है। बैकग्राउंड ठीक लग रहा है ना? कुछ अजीब तो नहीं लग रहा बैकग्राउंड में? बन गई है यूनो, रियलिस्टिक यूनो सेमी लुक। आई एम नॉट ऑन इंस्टा, भाई मुझसे बोल रहा है इंस्टा के लिए साइन कर देता हूँ। नहीं मैं शॉर्ट में उसमें करूँगा साइन। इनो कबूल है, कबूल है। ऐसे इनो से मैं बन गई है। देख लो जितना देखना है, घूर लो लड़की को। बंद करने वाला हूँ मैं। देखो कहीं कुछ लग तो नहीं रहा, अजीब। मैं उसको ठीक करूँ। बन चुकी है इनो। सब कुछ कर लिया मैंने। पाँच लाइव स्ट्रीम लग गई इसको बनाने में, तो कुछ भी नहीं है। ओके, गुड नाइट। और बताते तो जाओ कैसी लग रही है वीडियो, ड्राइंग कैसी बनी है। वो तुम्हें पता है लोग रिव्यू नहीं करते हमारी ड्राइंग को, रिएक्शन नहीं देते, बस नाइस अमेजिंग ओपी लिख के छोड़ देते हैं कमेंट में। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सजेशन भी लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई देता नहीं। अली जो मेरा फ़ोटो है वो फाइल में ड्राइंग है। ओके, लाइट वाइट शेडो सब कुछ ठीक लग रही है। अभी ये कल पूछ रहा था कि तुमने ये मोजा क्यों पहना है। मोजा अली पूछ रहा था, कोई और पूछ रहा था। चलो जो भी पूछ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट रेनगोकू, तुम लोगों को बता दिया रेनगोकू, और हिंट भी वही है और कैरेक्टर भी वही है। अब समझ लो कौन सा रेनगोकू बनाने वाला हूँ। मूवी एक 9th फॉर्म रेनगोकू। क्लॉथ की फोल्डिंग ग्रेट, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आज जल्दी निपटा दिया मैंने, क्या 11 बजे स्टार्ट कर दी मैंने, 11 से 12 नहीं यार, टाइम तो हो गया। चलो बैटरी भी फ़ोन की मेरी ख़त्म हो रही है, चलते हैं। मेरा रेनगोकू वाला रेफरेंस जो है सिर्फ ईशान ने देखा और किसी ने नहीं। जिद कर रहा था वो व्हाट्सएप पे देखने के लिए, बाकी तुम लोगों ने नहीं देखा। किसी को आइडिया है कौन सा रेनगोकू बनाने वाला हूँ मैं। थैंक यू देवेश, थैंक यू फिरो अली, थैंक यू गरीब गेमर, थैंक यू रहमान। रोते वाला और गुड बाय अली। चलो मेरी इनो तुम्हारे लिए नहीं बनाई है मैंने, अपने लिए बनाई है। अच्छा इसका प्रिंट किसे चाहिए ये बताओ, मैं इसका प्रिंट भी गिव अवे कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक ये है और एक वॉलेट, दोनों का प्रिंट एक साथ गिव अवे करूँगा। गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। चलते हैं, जाते हैं, ठीक है। मुझे प्रिंट चाहिए, तुम्हें वॉलेट भी चाहिए होगी फिर तो, है ना। पैसे लगेंगे पहले बता रहा हूँ, ड्राइंग है कोई खिलौना नहीं है। दोनों पैसे खर्चने पड़ेंगे प्रिंट के लिए। गिव अवे में जो विनर होगा, लकी विनर वो होगा अलग, उसको फ्री मिलेगा। अदरवाइज जिसे चाहिए उसे हल्की फुल्की तो कीमत तो करनी पड़ेगी। मेरे सब्सक्राइबर्स को तो मैं छूट दे दूँगा कीमत, लेकिन मस्त लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। जैसी मैंने वॉलेट बनाई थी उसी ही टाइप का मैंने वीनो बनाई है। दोनों भी स्टोरी पे डालूंगा, दोनों कोलाज बना के पूछूंगा लोगों से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये या फिर लाइक्स और डिसलाइक कितने हैं आज की लाइव में? 23। हाँ, आज पता नहीं कैसे हो गया ये। चलो, किसी को कुछ पूछना है 1 मिनट के अंदर बता दो, मैं जाऊँ फिर, क्योंकि मैं फालतू खड़ा हुआ हूँ। कोई किसी के कमेंट पढ़ने के लिए कुछ पूछ रहा हो, मेरी कर अभी चल, ये सब नौटंकी कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? किसी का कुछ पूछना तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है। भाई व्हाट्सएप पे वीडियो देखो फिर बताओ, ठीक है? मैं वीडियो देखूँ। चलो, मुझे पार्टिसिपेट करना है, कैसे करूँगा भाई? अभी तो मैंने गिव अवे स्टार्ट ही नहीं किया है। मैं तो प्लान बताया है, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा मेरा अगले महीने तक, उसके बाद जब मैं फेस रिवील करूँगा उसी में ही सब कुछ करूँगा मैं। उसके बाद मेरी हर वीडियो में मेरा फेस आएगा, हर वीडियो में। जैसे आयुष की हर वीडियो में वो फेस के साथ वॉइस ओवर करता था ना, मैं वॉइस ओवर भी करूँगा, इंग्लिश में वॉइस ओवर करूँगा। उसके बाद में अभी जितनी लाइव स्ट्रीम में हिंदी बोल रहा हूँ सो बोल रहा हूँ, फिर मेरे जो वीडियो बनेंगे वो इंग्लिश में ही बनेंगे। रेगुलर वीडियो में मेरा जो नरेशन होगा, वॉइस ओवर होगा, इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे जो टारगेट करनी है वो ग्लोबल ऑडियंस टारगेट करनी है, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया तक का नहीं। क्योंकि एनिमे का फैंडम बहुत बड़ा है और इंडिया में तो वैसे भी इतनी वैल्यू है नहीं एनिमे की। कबूल है। हाँ, कबूल है। मैं थोड़ा सा डेप्थ का चैनल इंस्पिरेशन आइस पेंसिल आर्ट है। हाँ भाई, लेकिन मुझे जो अपना कंटेंट रखना है अपने चैनल पे वो एनिमे भी रखना है और रियलिस्टिक भी रखना है, जैसे ईस्टबर्न आर्ट ने रखा हुआ है और उसका चल भी रहा है। दोनों पर उसके पास ऑडियंस है। मैंने सबसे ज़्यादा किसी चैनल को इंडिया के किसी चैनल को एन्जॉय किया तो आयुष के चैनल को ही किया। उसकी वीडियो क्वालिटी, आर्ट वर्क और सब कुछ बहुत बेस्ट था मेरी नज़र। मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं ना, वो तो कुछ है ही नहीं, उन्हें तो मैं कुछ समझता ही नहीं। थोड़ा सा हल्की सी देखना से यहाँ पर थोड़ी सी डालनी पड़ेगी बस। ज़्यादा भी मत करना वरना लफड़ा हो जाएगा। बस निकल के आ रही है बाहर। चलो भाई अब जो बात करना हो वो इंस्टाग्राम पे करना। अरे नहीं अभी नहीं निकालना है मुझे टेप, मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, शॉर्ट बनाऊँगा टेप के लिए, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, रील बनाऊँगा। चलो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।